मैं हूं संजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जी मंच चैनल। मैं आज कुछ कंफ्यूजन आप लोगों में दूर करना चाहता हूं। बहुत से कॉल मेरे पास आती है कि मेरे बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है तो मैं क्या करूं, प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या अभी तक हमने खाता नहीं खुला हुआ है तो कैसे प्रोजेक्ट अप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता, मेरी 3 साल पुरानी ऑब्जेक्शन है या 5 साल पुरानी ऑब्जेक्शन, आज तक हमने खाता नहीं खुला है, या फिर मेरा टर्नओवर नहीं कुछ हुआ है तो कैसे मैं प्रोजेक्ट लगा सकता हूं नहीं लगा सकता, यही सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या होता है, देखिए बैंक खोलना अनिवार्य है, ट्रांजेक्शन का जहां तक मैटर है तो ट्रांजेक्शन का आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन तभी होगा जब आपको कोई डोनेट करेगा और चेक के माध्यम से डोनेट कर रहा है या कैश के साथ डोनेट कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आपको बैंक में डालिए और फिर वो वहां से निकालिए बकायदे एक वाउचर को बनाते हुए कि हाँ इस मद में हम लोगों ने इतने पैसे को निकाला या इतना फंड निकाला हुआ बैंक से, तब तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारे डेटास क्लियर हैं, सारे आपके बुक ऑफ अकाउंट्स क्लियर रहेंगे। लेकिन अगर इस टाइप की एक्टिविटीज आपके में नहीं है और आप चीज़ें उस तरीके से नहीं मेंटेन कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपका नहीं तो आप प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। बिल्कुल आप प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, कहीं भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन लेके आपके पास कोई इस टाइप से कहीं भी बाइंडिंग्स नहीं आने वाली है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, इस बेस पर आप प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। लेकिन अगर टर्नओवर आपका कम है, देखिए टर्नओवर का मतलब आप समझ रहे क्या है, टर्नओवर का मतलब हुआ कि आपके इनकम एक्सपेंडिचर, आप बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें एक पार्ट आता है इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब क्या कितने पैसे आपके पास आएगा, कितने पैसे खर्च हुए किस किस तरीके से, तो ये होता है आपका टर्नओवर। इसमें जो टोटल इनकम आती है ये ध्यान दिया जाता है कि कितनी इनकम आपकी हुई, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कितना अमाउंट आया, किस तरीके से आया, ये तो आपके पार्ट में लिखा ही रहेगा, लेकिन कैसे कितना टोटल अमाउंट हुआ है ये आपका टर्नओवर कहलाएगा। क्योंकि अच्छा इसमें भी बहुत सी चीजें होती हैं कि टर्नओवर क्या ऐसा तो नहीं कि ऑफिस में ज्यादा एक्सपेंसेस है, फील्ड में कम एक्सपेंसेस है, मतलब एक्टिविटीज में कम एक्सपेंसेस है, इसका भी ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि अभी एफसीआरए वगैरह में आप जाएंगे तो फिर ये सारे मैटर्स आपके सामने आने लगेंगे। एफसीआरए में भी आपका टर्नओवर के लिए डिमांड की जाती है कि पिछले 3 साल में इतना टर्नओवर होना चाहिए, बहुत से प्रोजेक्ट में भी आपकी डिमांड की जाती है, बहुत से कॉर्पोरेट सीएसआर में भी डिमांड की जाती है कि टोटल टर्नओवर इतना होना चाहिए पिछले 3 सालों मिला के, तक भी हम आपको फंड देंगे। वो भी बहुत सी जगह ये भी होता है कि आप हमारे जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं उसका भी टर्नओवर कितना है, मतलब उसमें आपने एक्सपेंसेस कितने किया हुआ है पिछले 3 सालों में, इवन सर बहुत से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी ये सारी चीजें आती हैं, तो वहां पे भी आपका टर्नओवर मैटर करता है। तो ये चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप टर्नओवर ठीक से रखें। बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपका बेटर होता रहे तो और बढ़िया है, क्योंकि वो आपका बेस होता है और आपके सीए को भी आसानी होती है चीजों को डिस्क्राइब करने में, जस्टिफाई करने में। अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं है और आपके खर्चे हुए हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं, ये अपने तरीके से आपको सीए को बताना पड़ेगा, वो सारे बिल वाउचर आपको देने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ आपने एक्सपेंसेस किए हुए हैं। लेकिन फर्क दोनों में क्या है, यही मैंने बताने की कोशिश की आपसे कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या है और टर्नओवर क्या है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन का एक चीज और मैं बता दूं, हर एक प्रोजेक्ट में अनिवार्य क्यों है, हर एक प्रोजेक्ट में आपको बैंक डिटेल्स देनी ही देनी है। कहीं ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका बैंक कितने साल पुराना है, लेकिन बैंक डिटेल्स वो हर जगह मांगा जाएगा। कहीं ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन कितना है, आज तक कभी नहीं किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं पूछा गया, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि आपका टर्नओवर कितना है। तो इन चीजों को आप समझिए, दोनों का फर्क समझिए। उस बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं तो इसलिए नहीं आपको रोका जा सकता कि आप प्रोजेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर टर्नओवर आपका कम है या फिर उसमें प्रोजेक्ट में के टर्म्स कंडीशन में ये लिखा हुआ है, क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि इतना होना चाहिए, तो वहां पे आपको प्रोजेक्ट नहीं लगा पाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो ये चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप प्रोजेक्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कंसिडर किया जाएगा। यही चीजें मैं बताता रहता हूँ मित्रों अपने वीडियो के माध्यम से, उम्मीद है कि आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। फिर पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो भी दूसरी वीडियो मैं तुरंत डालूंगा तो आप तक इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंचेगी, और शेयर भी कर दीजिए, हो सकता है आपको नॉलेज मिल गई या इन्फॉर्मेशन मिल गई और लोगों को नहीं है तो शेयर कर देंगे तो हो सकता है और लोगों को भी इससे फायदा मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद।